नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला हड़ताल का चौथे दिन भी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है। इस हड़ताल से इस समय जिले की 423 दुकानों में ताला लगा हुआ है। वहीं इस समय गेहूं खरीदी का काम भी प्रभावित है। पूर्व में समिति के कर्मचारियों के द्वारा भोपाल में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी मांग शीघ्र ही पूरी कर दी जाएगी, परंतु कई माह बीत जाने के बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी। इसलिए समस्त आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और शीघ्र ही अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो इनके द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। वहीं अगर इस समय देखा जाए तो कृषक को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई। जैसे तैसे करके कृषक खरीदी केंद्र तक अपना गेहूं ले गया और गेहूं की ना तो खरीदी है और बारिश के कारण खरीदी केंद्रों पर गेहूं गीला हो रहा है। वहीं समितियों के कर्मचारी विगत 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रशासन को इस दिशा में ध्यान देते हुए इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, जिससे कृषकों की फसल समय पर बिक सके। वहीं 423 दुकानें बंद होने से गरीबों को मिलने वाला अनाज भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीबों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्त कर्मचारी मंडला जिले के 6-5 से जो है अनिश्चितकाल धरना स्थल मंडला कलेक्ट्रेट रोड में हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के हमने बैठे हुए हड़ताल में क्या है, हमने 6-4 को जो है भोपाल भी मुख्यमंत्री जी का घेराव किए और वहाँ जनरली संबोधन भी किए, लेकिन उनने हमें 24 तारीख के लिए आश्वासन दिया था। 24 को भी कोई किसी प्रकार की आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला। हमारे कर्मचारी इतने काम करते हैं, जैसे कोरोना काल से लेकर के आज तक किसी प्रकार की मांगें पूरी नहीं हुई। गरीबों का, किसानों का, उनके घर में खाद्यान्न पहुंचाने का काम और किसानों का अनाज को खरीदने का काम हमारे विक्रेता साथी जो है करते हैं। लगातार निरंतर हम लोग इस मांग को जो है लेकर के अपनी लड़ाई जो है चालू रखे हैं और यह उग्र आंदोलन शासन प्रशासन के कान तक आवाज़ हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है वेतन मांग बढ़ाया जाए। कहीं नियमितीकरण भी तो है ना आप द्वारा, आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से यह धरना आप लोगों का चल रहा है और पूर्व में भी आप लोग धरने पर थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज दिनांक तक आपकी मांगें पूर्ण नहीं हुई हैं, पुनः धरने पर आप हैं, कहां तक लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी? क्या है, विक्रेता कर्मचारी सहकारी विक्रेता संघ एवं महासंघ के आह्वान पर हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज के 6 महीने पहले भी हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे, उस समय 15 दिन का समय दिया गया था। 15 दिन में यदि मांग पूरी नहीं होगी तो आप फिर से धरने पे बैठने की आह्वान था, लेकिन महासंघ द्वारा आप ही उसका आज तक मांग पूरी न होने के कारण फिर से महासंघ ने आह्वान कर धरने पे बैठने पे मजबूर कर दिया है शासन ने। यदि शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में उपार्जन का समय भी है और लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उचित मूल्य की दुकानें बंद हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके लिए शासन जिम्मेदार है। शासन की तरफ से कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि आपके पास आया हो? नहीं, आज तक अभी कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी हमारे पंडाल पे आकर किसी भी प्रकार की वो नहीं किया है एवं पत्रों के माध्यम से हम पर दबाव बनाया जा रहा है। चूँकि अभी कलेक्टर उपार्जन केंद्र जा रही हैं, पूर्व में गई हुई थी, लेकिन अभी अगर आपके उपार्जन केंद्र पहुंचती हैं तो वहां पर क्या है, उन्हें दिखाने के लिए कोई है वहां पे आप लोगों को जिम्मेदार? अभी किसानों की जो गेहूं रखा हुआ है उस गेहूं का जिम्मेदार? रांगड़ में गेहूं रखा हुआ, अगर नुकसान होता है तो? नुकसान होता है तो उसके लिए शासन जवाब। आप लोगों की मांगें क्या क्या हैं? हम लोगों की मुख्य मांगे कि हमको केवल शासन स्तर पे वेतन दिया जाए। आज तक समितियों को वह क्या है, जितना शासन से कुछ भी हमको नहीं मिलता, इसलिए शासन केवल कर्मचारियों को वेतन भुगतान करे, ये हमारी मुख्य मांग है।
अपने मंडला इकाई में कितनी दुकानें हैं जो प्रभावित हो रही हैं? 423 दुकान अपने मंडला जिले में है टोटल, जो टोटल प्रभावित जी, टोटल बंद है सभी टोटल।